अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। सो टुडेज आर टॉपिक नेम इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, सो लेट अस स्टडी। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस। वो कंपाउंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स आयंस से मिलकर बने होते हैं और इस काबिल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकें, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये चीज़ें भी हो सकता है कंटेन करता हो। पहली क्या है, अ सिंपल कैटायन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनायन, के उसके पास सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। और दूसरी ये है कि अ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड अ सिंपल एनायन, के उसका कैटायन कॉम्प्लेक्स हो और सिंपल एनायन हो। मैनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल से कैटलाइज कर रहे होते हैं। द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ऑफन कलर्ड बिकॉज डीडी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल आयंस को हम डीडी ट्रांजिशन की वजह से ऑफन कलर कर रहे होते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, अब हम उनके कंपोनेंट्स स्टडी करने लगे हैं। पहला कंपोनेंट है सेंट्रल एटम आयन और सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इसको अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मेटल एटम्स और मेटल आयंस सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो मेटल एटम्स होते हैं और मेटल आयन होते हैं, इन्हें नंबर ऑफ लिगेंड्स ने सराउंड किया होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ये हमारे पास अब आपको होप्सो समझ आ गया होगा कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयंस क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिगेंड्स की, तो आयंस, एटम्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन। वो क्या करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करते हैं। वो होते हैं हमारे पास लिगेंड्स। लिगेंड्स विद टू डोनर एटम इज कॉल्ड बाइडेंडेट। जो लिगेंड के पास दो डोनर एटम्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं बाइडेंडेट लिगेंड। सो नेक्स्ट हमारा जो इसका कंपोनेंट है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम और आयन, वो उतने, मतलब जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं लिगेंड की तरफ से सेंट्रल एटम या फिर आयन को, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स वो प्रोवाइड करता है लिगेंड सेंट्रल एटम या फिर आयन को, उसको हम कह रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द सेंट्रल एटम और आयन अलॉन्ग विद लिगेंड्स, जो सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है और उसके साथ लिगेंड्स हैं, उनको टोटली हम कह रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद चार्ज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड द टोटल चार्जेस ऑन द लिगेंड्स। जो एलजेब्रिक सम होता है ना चार्जेस का, जो सेंट्रल मेटल आयन पर प्रेजेंट होते हैं और टोटल चार्जेस जो लिगेंड्स के होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं चार्ज टोटल जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे किलेट्स, कालेट्स। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इन विच वन और मोर देन वन रिंग इज फॉर्म्ड, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा रिंग बनती है। ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द पॉलीडेंडेट लिगेंड, क्योंकि इसमें जो पॉलीडेंडेट लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन कर रहा होता है। जिस तरह से उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें डाई ऑक्सलेट प्लेटिनेट सेकेंड आयन है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता है पॉलीडेंडेट लिगेंड से। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये, जिसमें एक रिंग भी हो सकती है और एक से ज़्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं। और ये बनता है क्यों, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एक पॉलीडेंडेट लिगेंड लिगेंड जो होता है वो डोनेशन करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।